ओके स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। आज हम थोड़ा एरिया दिखा दो, सेफ एरिया है और टारगेट वो रखा हुआ है। आज हम रिवॉल्वर से फायर टेस्ट करेंगे और काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। 1 2 3 4 5 यहाँ से करेंगे बैठ के। और थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई थी कि इसका थोड़ा ज़ीरो किया है इसको ना, थोड़ा सेट नहीं लग रहा था, थोड़ा राइट साइड पे लग रही थी, मतलब बुलेट जो निकल रहा था राइट साइड पे लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा इसको सेट किया है। और अब फायर टेस्ट करके देखते हैं कि कहाँ लगती है। और ये अनसेफ किया और ये थोड़े ये जड़ी बूटियाँ तोड़ देता हूँ आगे से ताकि टारगेट पे लगे। और अब देखिएगा भी भाग गए हैं, लेकिन हाँ यहाँ से लगी है, थोड़ी उठ गई है ऊपर को। टारगेट मैंने यहाँ किया था और यहाँ लग कर गई है, थोड़ा ऊपर दे रही है। और एक बुलेट और टेस्ट करते हैं, आ जाइए। सेकेंड बुलेट टेस्ट करेंगे, अब थोड़ा नीचे रखूंगा इसको ताकि बिल्कुल साफ आए। अब कहाँ लगी है? हाँ बिल्कुल सही लगी है, अब यहाँ पे लगी है। और टारगेट ये एल का किया था मैंने और यहाँ लगी है, अब ठीक है बिल्कुल। और ये फायर टेस्ट करके हमने आपको पता, ओ माय गॉड, देखिए पीछे इसको भी पेनिट्रेशन करके निकल गई है। यहाँ इंटर हुई है और ये एग्ज़िट पोल है, मैंने ये पीछे लगाया था ताकि इसका भी पता चले। अच्छा पेनिट्रेशन है इसका और हॉल भी काफ़ी बड़ा गया है। और बीच ब्रश डाला था मैंने, टूथपेस्ट, वो भी टूट गया। अच्छा पेनिट्रेशन है, बस यही दिखाना था आज आपको। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होता है, ठीक है, ताकि आपका लाइसेंस बने, आत्मरक्षा के लिए या स्पोर्ट्स के लिए आपका लाइसेंस बनता है। तो आप वेपन को कैसे रखें, कैसे सेफ्टी के साथ रख सकते हैं, ये चीज़ बतानी थी। और बस अब मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, आप सब भाइयों को बस ये बंद करो।